सुजानपुर डेरा में कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने एच टुडे चैनल के साथ विशेष मुलाकात में कहा कि नगर परिषद सुजानपुर को चकाचक करने के लिए न केवल नगर परिषद के सहयोग करें बल्कि आम जनता से भी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि लोगों को घरों का कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। लोगों की सुविधा हेतु पूरे वार्ड में साफ सफाई को दुरुस्त रखने के लिए एक नहीं बल्कि 40 आदमियों के द्वारा दोपहर के उपरांत सफाई करवाई जा रही है, जिसमें गलियों में झाड़ू लगाने के अलावा नालियों को भी चकाचक किया जा रहा है। बरसात के दिनों में घास उखाड़ने का प्रबंध किया जा रहा है, जिससे लोगों में कार्यकारी अधिकारियों के प्रति खुशी का माहौल बन रहा है। वहीं संजय कुमार ने बताया कि लोग सफाई का विशेष ध्यान रखें। यदि किसी वार्ड में सफाई व्यवस्था ढंग से नहीं हो रही है, उसकी शिकायत नगर परिषद कार्यालय में करें ताकि समस्या का निदान किया जा सके। बाजार में जो सफाई व्यवस्था है वो भी देखने को मिले। क्या ये अभियान मुख्य बाजार और नालों आस पास लगते नालों में भी चलाया जाएगा, क्या लगता है सर? अभी ये अभियान जो है हमारे पूरा, जैसे आपने कहा कि नाले और नालियों और बस स्टैंड, ये हम पूरा ही कर रहे हैं। प्रत्येक वार्ड में चाहे गली है, नाला है, नाली है, या रास्ते हैं, या झाड़ियों की कटाई है, वो हम पूर्ण रूप से एक वार्ड को पकड़ के जो है इस कार्य को कर रहे हैं। ये हमारा नगर परिषद का एक विशेष अभियान है जिसको हम जारी रखेंगे। जैसे अभी हमारे 9 वार्ड हैं तो हम 9 वार्डों को क्लियर करेंगे, फिर रूटीन में जैसे सफाई चलती है वैसे सफाई करते रहेंगे, और फिर 15-20 दिन के बाद हम फिर ये ऐसी मुहिम चलाएंगे ताकि जो है लोगों को जो है साफ सुथरा शहर मिले, सुंदर शहर लगे। सर, एक जो सफाई कर्मचारियों के द्वारा पर्ची काटी जाती थी वो लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई, तो कैसे उस पर्ची को मतलब किया जा सकता है? लोगों को लॉकडाउन की मारे कैसे उस पेमेंट्स को पे किया जा सकता है? क्या किस्तों में भी इस पेमेंट्स को पे कर सकते हैं आम जनता, क्या कर सकते हैं? नगर परिषद द्वारा जो माननीय NGT के आदेश थे उसके अनुरूप जो था वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 बनाए गए थे, जैसे प्लास्टिक वेस्ट रूल 2016 बनाए गए थे, उनकी अनुपालना में नगर परिषद ने जैसे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन और सेग्रीगेशन का कार्य जो है आरम्भ किया है, और शीघ्र जैसे ही हमने ये कार्य शुरू किया है तो लोगों से हम जो है उन रूल्स के तहत जो है पैसे ले रहे हैं। जैसे 50 रुपये प्रति घर के हिसाब से हम पैसे ले रहे हैं। और जो आपने लॉकडाउन की बात की, ठीक है, फरवरी माह से नगर परिषद द्वारा लॉकडाउन के चलते पेमेंट नहीं मिली, लेकिन सफाई व्यवस्था तो नगर परिषद द्वारा की गई है, तो लोग इसकी पेमेंट चाहें तो किस्तों में कर दें, चाहे एक मुश्त कर दें, क्योंकि उनको देने तो ये पैसे पड़ेंगे ही, क्योंकि नगर परिषद जब सफाई कर रही है तो उसके लिए यूजर चार्जिंग नगर परिषद द्वारा लगाए गए हैं। लोगों की सहूलत के लिए जो अपनी सहूलत के अनुसार जो है उनको चाहे एक मुश्त दे दें चाहे किस्तों में दें, लेकिन फरवरी माह से उनको जो है ये यूजर चार्ज की अदायगी करनी होगी। आज हमने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी से विशेष मुलाकात की और उन्होंने विस्तृत जानकारी हमसे साझा की है कि लोगों को गृह कर की छूट मिलती नजर आएगी, जिसमें वो किस्तों में भी अपना भुगतान नगर परिषद को 3 महीने जो बकाया राशि रहती है उसका करना ही पड़ेगा, जो NGT रूल के माध्यम से उनको जो किस्त है वो देनी ही पड़ेगी, जिसके लिए घर द्वार जाके नगर परिषद के कर्मचारी लोगों से जो फीस है वो लेते नजर आ रहे हैं। और वार्डों की सफाई को लेकर भी नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी ने भी लोगों से आह्वान किया है कि लोग अपने घरों का कूड़ा कूड़ादान में ही डालें और सफाई का विशेष ध्यान रखें। और सर, जो सफाई व्यवस्था है, लोग भी गलियों और इसमें कुचों में फेंकते नजर आते हैं कचरा, तो क्या कहेंगे आप उनके प्रति, क्या प्रावधान है आपके प्रति की मतलब फाइन का, ये क्या कहेंगे आप? नगर परिषद जो है हमारे जितने सफाई कर्मचारी हैं देना के कार्य दिया गया है, और जहाँ तक है प्रत्येक घर को या संस्थान, दुकान, कार्यालय, बैंक इत्यादि को जो है अपना कूड़ा हमारे सफाई सेवकों को ही देना होगा, और जो लोग कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकते पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो है जुर्माने का प्रावधान है, उनको जुर्माना भी किया जाएगा। प्रत्येक घर को यूजर चार्जेस भी देने होंगे। यूजर चार्जेस कलेक्शन करने के लिए हमने जो है MOU अपने स्वयं सहायता समूहों के साथ किया हुआ है। हमारे स्वयं सहायता समूह की जो सदस्य हैं, लेडीज़ हैं, वो घर घर जाकर जो है पैसा यूजर चार्जेस कलेक्ट कर रही हैं, और उसकी एवज में उनको जो टोटल जितनी राशि इकट्ठा करेंगी उसका 10% जो है उन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जाएगा। आज हमने विस्तृत जानकारी जो है संजय कुमार जी से, जो कार्यकारी अधिकारी भी हैं नगर परिषद के, उनसे बात की और मुलाकात की कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ना केवल नगर परिषद की काम करती नजर आएगी बल्कि लोगों के सहयोग की अपील भी उन्होंने की है कि सफाई बनाए रखें और जगह जगह कूड़ा करकट ना फेंकें, जिसके लिए नगर परिषद के कर्मचारी सुबह शाम
ट्रॉली लेकर और गाड़ी लेकर घर द्वार लोगों के कूड़ा एकत्रित करने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर ये अपमानना नजर भविष्य में आती है तो कार्यकारी नगर जो कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने स्पष्ट किया है कि लोगों को जो जुर्माना है वो भी लगता नजर आएगा। टीहरा में सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने एक आदेश पारित कर दिए गए हैं, जिसमें ये साफ कर दिया गया है कि दोपहर 2 बजे के उपरांत पूरे शहर के कर्मचारी एकजुट होकर पूरे वार्डों की सफाई करते नजर आ रहे हैं, जिससे वो वार्ड पूरा चकाचक होता नजर आएगा, जिसके लिए कार्यकारी अधिकारी ने पहल कर दी है और लोगों में चर्चा भी बनी हुई है कि जो वार्ड एक कर्मचारी या दो कर्मचारियों से साफ नहीं हो पा रहे थे, उसके पूरे 40 के 40 जो कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी, उनके माध्यम से सब वार्ड की सफाई जो है नगर परिषद करती नजर आ रही है। आज हम कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार से बात करेंगे कि कैसे इनको आदेश पारित हुए हैं और किस प्रकार से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करती नगर परिषद नजर आ रही है। नगर परिषद जो है वैसे तो सफाई का कार्य प्रतिदिन करती है, लेकिन इस बार मैंने ये विशेष अभियान चलाया है कि पूरे शहर की सफाई जो है दुरुस्त तंदुरुस्त करने के लिए हम प्रतिदिन एक वार्ड पकड़ेंगे, जिसमें मेरे 40 सफाई कर्मचारी जो है वो एक वार्ड की पूर्ण रूप से सफाई करेंगे, जिसमें शहर की गलियां, रास्ते, नालियां, नाले, घास इत्यादि का काटना जो है वो कार्य जो है प्रतिदिन किया जाएगा। और इसमें हमारे जो 40 सफाई कर्मचारी हैं एक वार्ड में पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन हम एक वार्ड ले रहे हैं ताकि जो है शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त तंदुरुस्त रहे।